हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम क्या हाल चाल मेरे भाई लोग। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ राहिब और इमाम हुसैन। मीसम अब्बास भाई का ये नोहा है, ठीक है। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मीसम अब्बास भाई के नोहे पर रिएक्शन करिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए उनके नोहे पर रिएक्ट करें, इसलिए लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो की रिक्वेस्ट बहुत दिनों से आ रही है राहिब और इमाम हुसैन, एंड मुझे बहुत सारे कन्फ्यूजन भी है राहिब को लेके, तो मुझे लग रहा है इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बिकॉज मुझे ऐसा लगता था पहले कि राहिब जो हिंदू व्यक्ति था, बट वो हिंदू नहीं था, वो एक क्रिश्चियन था जिसे कोई संतान नहीं हो रहा था। तो उसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वरदान सा दिया था 7 बेटों का, तो उसे होता है 7 बेटा, एंड उसके बाद बहुत कुछ चीज़ें होती है। तो इस वीडियो के बाद में अपन जरूर बात करेंगे, तो पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसका जो भी ये बात करेंगे उसे विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। ये कौन है भाई साहब? मसीह मेरा कबीला लोगो, मेरे आका मेरे सरदार है ईसा लोगो, एक हकीकत से उठाता हूँ मैं पर्दा लोगो, मेरा हुसैन है ईसा का मसीहा लोगो, इमाम वक्त का मैं इंतजार करता हूँ, हलब के दैर में लम्हे शुमार करता हूँ, यकीन है ये मेरा जब आएंगे मौला, मैं उनके कदमों में गिर कर सदा लगाऊंगा, तुम बेमाना मैं फिदा जान करूं, अपने बेटों को मैं कुर्बान करूं, मैं हूं नजदान का राहिब, मैं राहिब हूं, सुनाता हूँ वाकया ऐसा, मेरी हयात में ऐसा भी वक्त आया था, मैं लावलत था और उम्मीद ना थी कोई मुझे, हुजूर पाक ने ये बात खुद कही थी मुझे, लोहे महफूज की तहरीर भी सुनाई मुझे, मगर हुसैन ने उस दम पे सर दिए थे मुझे, एक नहीं 7 नगीने अता किए थे मुझे, ये एहसान बड़ा भुलाऊं कैसे भला, ये बात उनसे कहूंगा कि फर्ज है ये मेरा, तुम बेमाना मैं फिदा जान करूं, अपने बेटों को मैं कुर्बान करूं, मैं हूं नजदान का राहिब, मैं राहिब हूं, एक शहर हलब में पहुंचा, या हुसैना से लरजती थी फिजा, नींद से मुझको जगा कर मेरी जौजा ने कहा, ख्वाब से जागो के फटता है कलेजा मेरा, कौन करता है तड़प कर गिरिया, कौन कहता है ये बाबा बाबा, ख्वाबे गफलत से उठा और मैंने ये कहा, ऐसा लगता है चले आए मेरे घर मौला, तुम बेमाना मैं फिदा जान करूं, अपने बेटों को मैं कुर्बान करूं, मैं हूं नजदान का राहिब, मैं राहिब हूं, उनके आवाज
आवाज़े जरस जानिबे दहलीज गया, मेरी आँखों को नजर आया कयामत का समा। क्या कहूँ मैंने किन आँखों से वो मंजर देखा, बेरदा चंद असीरों को खुले सर देखा, कितने सूरज थे जिन्हें नो के सिना पर देखा, मैंने एक छोटा सा सर दिल को पकड़ कर देखा, एक सर पर नहीं मौजूद रिदा, एक सर शर्म हया से है झुका, एक रहवार की गर्दन में बंधा, एक सर पर सरे नोके नेजा, देख कर काफला मैं आहो बुका करता हूँ, कहीं देखे हैं ऐसे चेहरे, ऐसे नूरानी बशर तो मुबाहिले में ही थे, या खुदा ने ज़िपे जो सर हैं ये वो लोग न हो, वो जो औलाद पैगंबर हैं ये वो लोग न हो, जिनकी तारीफ में इंजील में भी जुमले हैं, वो जो चाहे तो पहाड़ों को हिला सकते हैं, यकीन है ये मेरा जब आएंगे मौला, मैं उनके कदमों में गिर कर सदा लगाऊंगा, पे लगा था पहरा, डरते डरते जो मैं नजदीक गया, नेजा बरदारों से मैंने पूछा, ये जो खून रोता है सर क्या है जहरा का पिसर, पहरादारों ने कहा है ये बागी बखुदा, हाकिम शाम ने है इस पे इनाम रखा, इसके हाम की न बनो तुम राहिब, इसके हाम मैं परेशान हुआ और ये कहने लगा, एक शक है मेरे दिल में जरा पूछूं इसे, एक लम्हे के लिए बात मैं कर लूं इसे, मुझे इससे मिला दो जिंदगी मुझ है लगा दो, एक शब के लिए सर से अपने पहरे को हटा दो, जब इजाजत मिली फिर दिल को मेरे आया करा, सिपाही को दिए 30,000, मैं हूँ नजदान का राहिब, मैं साहिब हूँ, मैं साहिब हूँ, मैं साहिब हूँ, मैं साहिब हूँ, लेके उस को जो मैं घर पहुंचा, मैंने उस सर से कहा मुझको बता, बताओ कौन हो तुम, बताओ कौन हो तुम, मैं ये बोला कि तेरा जुर्म है क्या, वो ये बोला कि मोहम्मद से वफा, मैं ये बोला कि तेरा नाम है क्या, वो ये बोला मुझे पहचान जरा, तेरा मेहमान हूँ मैं, तेरा मेहमान हूँ मैं, निभाने तिफली का वादा, लेके सब अपना मैं कुंदा, तेरे घर आ गया राहे, मैं पैगंबर का जिगर हूँ राहे,
मैं ही जहरा का पिसर हूँ राहिब, जिसने बेटे तुझे बख्शे वो सखी हूँ राहिब, बखुदा मैं ही हुसैन इब्ने अली हूँ राहिब। करबला में जो सितम टूटे बताता हूँ तुझे, अपने बेटों का भी मक्कल मैं सुनाता हूँ तुझे। मेरे याद को लहू दिलवाया, हाय बाकिर का बचपन छीना, मेरे अकबर को है नेता मारा, मेरे कासिम को है पामा किया, सर किए ओन मोहम्मद के जुदा, ये इंतहा है के असर पे रहम ना खाया। या हुसैन 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 या हुसैन, मैं हूँ नजदान का राहिब, मैं राहिब हूँ, मैं राहिब हूँ, मैं राहिब हूँ, मैं राहिब हूँ। सुन के राहिब ये बयां काम के दिल रोने लगा, और आदा को सरे शाह भी वापिस न किया, एक एक करके किए सातों पे सर शह पे फिदा, असला नाज़मी मीसम है वो मौजूद जगा, सर जहां मौला हुसैन इब्ने अली का था रखा। दरे राहिब है जहां करना महसूस वहां, खुजती भी फिजाओं में है राहिब की सदा, राहिब हूँ। एंड यस, प्योर मास्टर क्लास फ्रॉम मी सम अब्बास भाई, बहुत ज़बरदस्त से लिखा गया, बहुत ज़बरदस्त से पढ़ा गया है, जस्ट नेक्स्ट लेवल, मजाक नहीं कर रहा मैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा इसे लिखा गया यार, ठीक है। राहिब, राहिब नाम है, मैं रहीब कह रहा था, राहिब जो कि क्रिश्चियन व्यक्ति थे, तुमको पूरी स्टोरी इनके बारे में पता है, एक तरह से मुझे ही पता है कि पहले वो पैगंबर साहब के पास गए थे, क्यों गए थे, बिकॉज वो बहुत उदास थे, उनको कोई संतान नहीं हो रहा था, इसलिए वो पैगंबर साहब के पास, नबी साहब के पास पहले गए, तो नबी साहब ने उन्होंने कहा कि आपके नसीब में कोई संतान नहीं है, तो उस वक्त इमाम हुसैन बहुत छोटे थे, एंड उन्होंने उसे देखा कि वो बहुत उदास है, बहुत मायूस है, तो उन्होंने पूछा राहिब से कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्यों उदास हो, तो वो उन्हें सब कुछ बताते, ऐसा ऐसा सीन है, तो वो उन्हें 7 बेटों का वरदान देते हैं लिटरली, एंड 7 बेटे राहिब को होते भी है, एंड यस 7 बेटे उनको होते हैं, एंड ये बेसिकली इसमें मेन चीज़ें दिखाई गई है कि करबला के वॉर के बाद जब सबके सर नैज़े पे थे ना, सबके सर कलम करके नैज़े पे, यजीद के सेना उसको ले जा रही थी और लेके जा रही थी, तो बीच में उन्होंने एक तरह से एक डेरा सा डाला था, ठीक है, बहुत दूर था मेरे हिसाब से सीरिया, शाम तो रात का वक्त था, डेरा वगैरह डाला था राहिब के घर के पास, तो राहिब उनसे पूछता आखिर कौन है ये लोग जिसको तुम ले जा रहे हो नैज़े पे, बिकॉज ये मुझे जाने बचाने लग रहे हैं, एंड मैंने इनको कहीं देखा है आई थिंक, तो वो उनको मतलब एक तरह से उस सर को कुछ देर के लिए खरीदते हैं, ठीक है, बिकॉज वो लोग कहते हैं कि सर पे बहुत बड़ा इनाम है, तो कुछ देर के लिए लोग मतलब वो राहिब उनको उनके सर को खरीदता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को दिरहम देके, ठीक है, एंड घर लेके जाता है, देन उनसे बातचीत वगैरह करता है, क्या है नहीं है, तो सब वहाँ बताते हैं कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हूँ जिसने तुम्हें 7 बेटों का वरदान दिया था, तो उसके बाद राहिब अपने 7 बेटों का सर कलम कर देता है सिर्फ उस सर को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी पकड़ा जाता है, ठीक है, लास्ट में फिर भी उनकी फ़ौज कुछ चल जाता है पता, ठीक है, 7 बेटों के सर कलम करने के बाद चल जाता है पता, एंड वो फिर ले लेते हैं एंड चल जाते हैं। उसके बाद राहिब का क्या हुआ मुझे उसके बारे में जानना, ठीक है, इसमें भी नहीं बताया, बहुत सारी जगह मैंने नहीं देखा आखिर राहिब को क्या हो गया, क्या उसकी भी नस्ल थी, उसकी भी अलग नस्ल है, जिस तरह से मतलब लाइक हुसैनी ब्राह्मण्स कहते हैं उनके बहुत एक नस्ल, अभी बहुत सारे हुसैनी ब्राह्मण है, तो उसी प्रकार से क्या राहिब की भी कोई नस्ल है, मुझे इस चीज़ के बारे में बताना अगर किसको पता होगा तो। या दैट्स इट, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है, लिटरली बहुत कुछ समझ गया मुझे इस नोहे के बाद से। गौर करो उस पल को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर से राहिब बातचीत कर रहा था, लिटरली कितना गूज़बम्प वाला मोमेंट था वो यार, लिटरली
दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुमको मेरा वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बहुत जल्दी मिलते हैं किसी न्यू रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड यस बी सेफ बी हैप्पी, यस पीस आउट। या हुसैन।